मोहब्बत का, अकीदत का यहाँ पैगाम मिलता है। किसी को रब, किसी को सब, किसी को राम मिलता है। महान सूफी संत सैयद हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हर खास आम जायरीन को यही पैगाम मिलता है, जो रब है वही राम है। सैयद हाजी वारिस अली शाह की दरगाह धार्मिक सौहार्द और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। हर धर्म को मानने वाले यहाँ श्रद्धा से नमन करते हैं। इसकी ख्याति उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक फैली हुई है। लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर बाराबंकी जनपद के देवा शरीफ में विराजमान ये पवित्र दरगाह धार्मिक समरसता की पहचान बन गई है। सैयद हाजी वारिस अली शाह का जन्म सन 1809 में देवा शरीफ में कुर्बान अली शाह के घर हुआ। वास्तव में सैयद हाजी वारिस अली शाह मानव रूप में ईश्वरीय अंश थे और इसमें कोई शक नहीं कि उनका प्रादुर्भाव लोक कल्याण के लिए ही हुआ था। देवा शरीफ की पवित्र भूमि से आपने सौहार्द, सद्भाव और नेक नियति का संदेश सभी धर्म के लोगों तक पहुंचाया। उनका मानना था कि उपासना पद्धति चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें बनाने वाला ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। इसलिए आवाम से रूबरू होने पर उनका बड़ा स्पष्ट संदेश था, इंसान बने और इंसानियत के लिए काम करें। ऐसा कहा जाता है कि हाजी वारिस अली शाह ने कभी अपने अनुयायियों को अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। यही वजह है कि इस दरगाह पर हिंदू श्रद्धालु भारी संख्या में मत्था टेकने आते हैं। यहाँ होली का आयोजन भी बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है, जिसमें दोनों धर्मों के लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मानवीय उद्देश्यों को लेकर प्रायः भ्रमण पर रहते थे। उनके बहुत से अनुयायी उनसे मिल नहीं पाते थे। ऐसे में हाजी वारिस अली शाह ने अपने अनुयायियों से एक साथ मिलने और उनके माध्यम से प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए अपने पिता की याद में सन 1892 में एक मेले का आयोजन किया और तब से ये मेला हर साल कार्तिक माह में लगने लगा। शुरुआत में ये मेला क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होता रहा, लेकिन जब मेला बड़ा होने लगा तब जिला प्रशासन ने मेले को व्यवस्थित स्वरूप देने का फैसला किया और इसी क्रम में सन 1925 में इसके लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम देवा मेला एवं प्रदर्शनी दिया गया। इस समिति में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य बनाए गए, जो समाज के गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं। जिलाधिकारी को इस समिति का पदेन अध्यक्ष चुना गया और जिले के अपर जिलाधिकारी को सचिव बनाया गया। भविष्य में इस मेले का लगातार विस्तार हुआ और देखते देखते देवा मेला क्षेत्रीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो गया। देवा मेले में हर धर्म के लोग दूर दराज के इलाकों से आने लगे। यूं तो देवा शरीफ में साल में 3 मेले लगते हैं, लेकिन कार्तिक मास में लगने वाले मेले की भव्यता सबसे अधिक है। इस मेले में सभी धर्म संप्रदाय के लोग शिरकत करते हैं। मेले में हर उम्र के लोगों के मनोरंजन के लिए पूरा इंतजाम होता है।
यहाँ बच्चों के लिए विशाल झूले हैं, तो खाने के लिए पूरे यूपी के जायकेदार व्यंजनों की दुकानें यहाँ सस्ती हैं। मेले में गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान भाग लेते हैं। यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने। मेले में मनोरंजक कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार लोगों का मनोरंजन करते हैं। मुशायरे में आला दर्जे के शायर भाग लेते हैं। कव्वाली में उच्च कोटि के कव्वाल लोगों की तबीयत रुमानी कर देते हैं। कवि सम्मेलन में धार्मिक और देशभक्ति सामाजिक समरसता की कविताओं का पाठ किया जाता है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम लोगों का मन मोह लेते हैं। नाटक और हास्य कार्यक्रम लोगों को आनंदित कर देते हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए मेले में अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है। किसानों के लिए विशेष रूप से गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक किसानों को कम से कम लागत में अच्छी उपज लेने के उपाय बताते हैं। यहाँ एक विशाल पशु मेला भी लगता है जिसमें सभी प्रकार के पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। देवा मेला एवं प्रदर्शनी 10 दिनों तक लगता है। देवा मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के निवासी भी काफी संख्या में आते हैं। देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति द्वारा देवा मेले के सफल आयोजन की वानगी इस बात से ही लगाई जा सकती है कि आज तक इतने बड़े मेले में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई, जबकि मेला पूरे 10 दिन तक लगभग 10 से 15 लाख लोगों की मेजबानी करता है। मेले में सभी धर्मों और हर वर्ग के लोग आते हैं। वास्तव में देवा शरीफ का मेला सामाजिक और धार्मिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण है। दरगाह पर
हाजी वारिस अली शाह मसोलियम ट्रस्ट द्वारा सभी इंतजाम किए जाते हैं। ट्रस्ट ये ध्यान रखती है कि दरगाह में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न उठानी पड़े। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के आते हैं और किसी से यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, जो हम लोगों को खाना देते हैं वो यूनिवर्सल डाइट जो हर मजहब के लोग खा सकते हैं। तो ये सब रखा गया है कि यहाँ पे जो भी आदमी आए उसको ये लगे कि ये उसकी जगह अपनी है। मेले के समय दरगाह पर सभी इंतजाम ट्रस्ट द्वारा किए जाते हैं। सूफी संतों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती देने का काम किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सूफी संत सैयद हाजी वारिस अली शाह ने कौमी एकता की मिसाल कायम की। हर धर्म के लोग उनके अनुयायी थे। संत हाजी वारिस अली शाह का प्रताप ऐसा था कि हिंदुओं को उनमें कृष्ण दिखाई देते थे तो ईसाइयों को ईसा मसीह और मुसलमानों को मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखती थी। आज भी आपकी पवित्र दरगाह पर हर धर्म को मानने वाले अदब से सर झुकाते हैं। कानपुर से आए हैं, हमारा नाम शशि है। हम बहुत गरीब थे, बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बाबा के दरगाह में आने से हमें बहुत कुछ मिला है। हम इनको बहुत मानते हैं, हम इनके मुरीद हो गए हैं। लोगों का मानना है कि दीवा शरीफ की दरगाह पर सच्चे मन से मांगी जाने वाली हर जायज मन्नत पूरी होती है। मेरा नाम फुरकान आलम है, हम फतेहपुर से आए हुए हैं और बाबा की मजार पे ज्यारत करने आए हैं, देवे शरीफ में ज्यारत करने आए हैं। और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सब लोग बहुत अच्छे और दिल से यहाँ मन्नत मांगते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। मेरा नाम हसीन फातिमा है, मैं बरेली शरीफ से आई हूँ और हर साल आती हूँ यहाँ मुरादों के लिए, अपने दिल की मुराद पाने के लिए। और जो यहाँ आता है वो मुराद पाता है और जो भी आता है सच्चे दिल से मुराद पाने के लिए आता है और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। दीवा शरीफ की दरगाह पर पूरे साल भक्तों का मेला सा लगा रहता है। मुझे यहाँ आते हुए 45 साल हो गए, अब ये 46वां साल शुरू हो रहा है और बहुत दरगाहों पे गई हूँ, मगर जितना सुकून इंतजाम अच्छा यहाँ है कहीं नहीं देखा। जिस तरह दीवा शरीफ में दरगाह पर हर मजहब के लोग सर झुकाते हैं, उसी प्रकार देवा मेले में भी हर धर्म और वर्ग के लोग मेले की शान बढ़ाते हैं। देवा मेला वास्तव में सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता की जड़ों को मजबूती देता है। देवा शरीफ में आने वाले हर व्यक्ति का एक ही मजहब है और वो है इंसानियत। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मजहब है। देवा शरीफ की पवित्र भूमि का यही संदेश है।